मक्का का अलबेग जद्दा के अलबेग से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है और बिल्कुल टेस्टी नहीं है। ये है जी अलबेग जो फोर्थ फ्लोर पे। वाह, यहाँ से तो हरम व्यू भी है बड़ा प्यारा। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तहकीक के लिए आज मैं जाऊंगा मक्का, जद्दा और मक्का की बाउंड्री। और माशाल्लाह अभी भी जो है ना ठीक-ठाक ग्रीनरी है यहाँ। और जद्दा के अलबेग को कंपेयर करेंगे और आपको सच और हकीकत बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले आप सब कर लें सब्सक्राइब। देखने में ये आ रहा है कि माउंटेन्स ऑफ मक्का आर ग्रीन, यानी सब ये वाले जो माउंटेन्स है ये काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। मक्का जब भी जाते हैं ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इस बाउंड्री के ऊपर थोड़ी देर के लिए रुका जाए। जद्दा और मक्का की बाउंड्री माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। और ये किसी ने कुछ लिखा हुआ है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम व तूबू इलैह सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह अभी भी जो है ना ठीक ठाक ग्रीनरी है यहाँ पे। अगर दो तीन मरतबा और बारिश हो गई ना बहुत ज्यादा ग्रीनरी हो जाएगी। अभी हम आपको इंशाल्लाह क्लॉक टावर के नीचे मिलते हैं। वेलकम टू द इनसाइड ऑफ बुर्जसा यानी के क्लॉक टावर्स। और इस वक्त हम लोग थर्ड फ्लोर नहीं सेकंड फ्लोर पे, हमें जाना है फोर्थ फ्लोर पे। ये फूड कोर्ट है और वो भी फूड कोर्ट है और वहाँ पे है अलबेग नया फोर्थ फ्लोर पे उधर ऊपर, और इधर से ऊपर हम लोग जाएंगे। हमें जो है ना P4 पे जाना है उस अलबेग के लिए जहाँ से हम वो लेंगे अलबेग। उधर से अगर हम लोग जाते लिफ्ट से तो बहुत देर लगे, उन्होंने कहा एस्केलेटर पकड़ लेते हैं। ये जी अलबेग जो फोर्थ फ्लोर पे, माशाल्लाह ठीक ठाक रश है यहाँ पे, जबरदस्त किस्म की रश है। एक और हमें एस्केलेटर लेना पड़ रहा है, ये हमारा पता नहीं ये पांचवा एस्केलेटर है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए जी फोर्थ फ्लोर पे अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सामने अलबेग है, वो है जी अलबेग। लेकिन रश चेक करें ना, वो लाइन पूरी लगी हुई है एस्केलेटर्स की और ये सारे फ्लोर्स पे रश है। ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, यहाँ पे भी फूड कोर्ट है, सब रश और ये भी रश। माशाल्लाह यहाँ पे आजकल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है यार। हम लोग फोर्थ फ्लोर पे आए हैं, वो सामने वहाँ पे अलबेग है लेकिन नज़र यहाँ पे ही पड़ी है और ये जगह खाली है। फोन लगाते हैं जी बुर्ज साहब वालों को कि भाई ये खाली क्यों है, तो अक्टूबर वालों से बात हुई है, उनका कोई एक बंदा आ रहा है और वो जगह खोल के हमें दिखाएगा इंशाल्लाह। अभी दरवाज़ा खुल गया, यल्ला बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सलाम अलैकुम अब्दुल्ला। वाह, यहाँ से तो हरम व्यू भी है बड़ा प्यारा, सुभान अल्लाह माशाल्लाह तबारकअल्लाह। जगह वगैरह देख ली है, अब जाते हैं अलबेग की तरफ इंशाल्लाह। जो हमारी वीडियो है उसको कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। ये इन्होंने लाइन बनाई हुई है जी, यहाँ से आप लाइन में जाएं तब जाके आपको जगह मिलेगी। क्लॉक टावर में अलबेग खरीदते हुए कितना टाइम लगता है अभी आपको बताते हैं। मैं लाइन में खड़ा हूँ, 4:55 शुरू है, देखते हैं कितनी देर में हमें अपना अलबेग मिलता है इंशाल्लाह। ये है जी मेन्यू, जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं वो स्कैन करके मेन्यू चेक कर सकता है इस बारकोड को। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है, ऑर्डर का टाइम आ गया। हबीब ब्रोस्ट नॉन स्पाइसी लाया शेख والله انتظر ساعه طيب اعطيني واحد نجتس وش اسمه دبل بيك 5:11 पे मेरा जो है ना ऑर्डर अभी लिया है इन्होंने। अब हमें कलेक्शन डिपार्टमेंट में जाना है एग्जिट, और अब मुझे लगता है मुझे आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा सिर्फ इस ऑर्डर को पिक करने के लिए। वो रहा जी कलेक्शन डिपार्टमेंट अलबेग कलेक्ट, जहाँ से मुझे मेरा ऑर्डर मिलेगा इंशाल्लाह। अभी इन्होंने मेरा पेपर ले लिया है, पता नहीं कितनी देर में पेपर लेने के बाद तलब मिलेगी। और इस वक्त बज गए 5:28, अभी तक हमें अपना ऑर्डर नहीं मिला। थैंक यू। और इस तरह हमें अपना ऑर्डर मिल गया, तकरीबन इस वक्त बज गए 5:31, पूरे 30 यानी आधे घंटे के बाद सिर्फ दो चीज़ें मिली हैं। एक चीज़ स्पेशल बताऊंगा लेकिन जद्दा जाके, अभी हम आपको जद्दा के अलबेग में मिलते हैं इंशाल्लाह। और इस तरह हम लोग पहुँच गए हैं जी जद्दा के अलबेग में। वैसे मुझे किसी हद तक समझ आ दी गई है कि लोग क्यों शिकायत करते हैं कि भाई अलबेग जो मक्का का है वो डिफरेंट है जद्दा से। खैर ये आपको ऑफिस में बताएंगे, फिलहाल हम लोग चेक करते हैं कि कितनी देर में हमें मिलता है। इस वक्त बज गए 8:36, हो सकता है जद्दा का अलबेग हमें जो है ना जल्दी मिल जाए इंशाल्लाह। ये वाला जो है ना अलबेग का पुराना लोगो है और ये कोई इन्होंने नया लोगो निकाला है, पुराना और नया। वैसे यहाँ पे भी ठीक ठाक रश है, ठीक ठाक लाइन लगी हुई है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सिक्का नगेट्स, थैंक यू। हमारा ऑर्डर हो गया
और इस वक्त टाइम हो गया 8:48। अभी आप जिस भी अलबेग की ब्रांच में जाएंगे ना, उसके पास इतना ही रश होगा। ठीक ठाक माशाल्लाह यहाँ पे भी रश है। खैर देखते हैं 45 मिनट्स के अंदर अंदर ये तैयार होता है हमारा ऑर्डर के नहीं होता है। हमारा नंबर है 34 और इस वक्त चल रहा है 985। सर जो है ना हमारा ऑर्डर तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और इस ऑर्डर को पिक करने के लिए हमें लग गए तकरीबन 40 मिनट। अब बज रहे हैं 9:11 और जब हम इधर आए थे ना उस वक्त 8:36 थे। आई थिंक 40 मिनट लग ही जाते हैं। ये मैंने इतने सारे अलबेग क्यों लिए? अलबेग जो है ना अपनी फैमिली के लिए भी लिए हुए हैं मैंने यहाँ पे। अब अलबेग से निकलने के बाद हम आपको मिलेंगे अलजदीद में, और जो डिफरेंस है वो आपको अलजदीद में बताएंगे इंशाल्लाह। अलजदीद ऑफिस, वेलकम टू अलजदीद। अलजदीद ऑफिस में हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे, लेकिन आपको ये दिखाना लाजमी था। इसके लिए मैं कह रहा था ये हमने जो है ना अपनी एंट्रेंस के ऊपर लगाया हुआ है, एंड इट लुक्स सो अमेजिंग। ये दरख्त है, लेकिन वो जो लोगो है ना उसकी बात ही अलग है। वहाँ पे अक्सर लोग आके हमारे गेस्ट फोटोज खिंचवाते रहते हैं, और वही लोगो यहाँ पे भी लगाया हुआ। अब हम आपको मिलेंगे अपने अलजदीद ऑफिस में। अलजदीद ऑफिस इन जेदा, वेलकम टू अलजदीद ऑफिस। अब मेरे पास दो अलबेग के पैकेट्स हैं, ये है मक्का वाला और ये है जद्दा वाला। अब जिसकी वजह से लोग अक्सर कहते हैं यार मक्का का अलबेग टेस्टी नहीं है या इस जैसे नहीं जैसे जद्दा का है, तो उसकी रीजन मुझे समझ आ गई है, वो लास्ट में बताएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले अनबॉक्सिंग, जद्दा वाले की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, और ये है वो रीजन जिसकी वजह से लोग कहते हैं भाई टेस्टी नहीं है। विल लेट यू नो इंशाल्लाह। अच्छा खुल गई है, दोनों अनबॉक्स हो गए। अलबत्ता एक चीज नजर आई है कि जो मक्का वाला अलबेक है उसके अंदर ये टिश्यू नहीं था, टिश्यू नहीं देते। सबसे पहले हम लोग करेंगे अपने बर्गर की अनबॉक्सिंग। बर्गर ऐसा ही है जैसे नजर आता है, दोनों एक जैसे नजर आते हैं। ये जी बर्गर, बस दो पिकल्स डाले हुए, दूसरे सॉस डाले हुए, और जी जद्दा क्या है उसके अंदर भी दो पिक, वही नगर टाइप और दो पिकल्स और सॉस। बिस्मिल्लाह आधा कर लेते हैं। Delicious. टेस्ट में भी और दिखने में भी दोनों एक जैसे, दोनों टेस्टी हैं माशाल्लाह। ये रख लेते हैं साइड पे। अब जो नगेट्स हैं, नगेट्स वो भी दिखने में भी एक जैसे ही हैं। वाह, एक जैसा साइज है और टेस्ट। मैं नॉन स्पाइसी लिया था, दोनों टेस्टी हैं। बट एज आई सेड, जो मुझे शक लग रहा है कि वाई क्यों लोग कहते हैं यार इन दोनों के टेस्ट में डिफरेंस है, वो इस बॉक्स के अंदर है। अब आगे बारी जी उस आइटम की जिसके बारे में आई थिंक, और वो है ये ब्रोस्ट। हरम के आसपास जितने भी अलबेक है ना, ये बाय द वे अलबेक वाले उनकी इन्फॉर्मेशन है जो, और मेरी जो थोड़ी बहुत तहकीक है उसके मुताबिक अलबेक आसपास हरम के जितने भी हैं उनमें आपको ये बोन वाली मुर्गी ब्रोस्ट नहीं मिलेगा। और जो अलबेक की मेन रीजन सक्सेस की शुरुआत जिसमें से इन्होंने की थी वो ये ब्रोस्ट ही था, इसीलिए लोग अक्सर कहते रहते हैं अंडर रेटेड है, इट्स नॉट दिस इट्स नॉट दैट, क्योंकि उनकी जो मेन आइटम है विच इज दिस, ये नहीं। तो इसको खा के आपको जो है ना अलग ही मजा आता है, और मेरी जो फेवरेट बोटी है इसकी वो ये वाली है। बिस्मिल्लाह। और जो इसकी चमड़ी है दैट्स अनदर लेवल। ओए होए, बट सॉस ये एक छोटा सा है क्या जो मैं अक्सर करता है। आपने सॉस लेनी है इनकी, ये गार्लिक सॉस है इसकी, वो किधर है केचप। खैर ये इनकी गार्लिक वो नगेट सॉस होता है, आपने वो खोलना है। चिप्स लेना है आपने, ये यहाँ पे इस तरीके से आपने लगाना है, और उसके बाद मिक्स करना है। ये हम लोग मिक्स कर रहे हैं। अब ये आपके खाने को अलबेग को दो बारा कर देगा। बोटी लें, सॉस के अंदर डिप करें जितना भी आप डिप करना चाहते हैं। सुभानअल्लाह। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। खैर
वर्डिक्ट ये अलबेक सऊदी अरब में जितने भी हैं मेरे ख्याल से सबका टेस्ट एक जैसा ही है। हरम में इसलिए डिफरेंट लगता है आई थिंक लोगों को क्योंकि ये वाली आइटम नहीं है वहाँ पे। द मेन अलबेक की सेलिंग पावर सेलिंग 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 मोस्ट सेलिंग आइटम। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई को दो में याद रखें, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जो कुछ भी होता है वो कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।